हेलो एवरीवन, दिस इज मी आपका अपना सूरज आर्या और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारे ब्लॉग का दूसरा पार्ट है और अभी तक आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके पहले वीडियो को देख ले। हमारे पहले पार्ट में हमने खगौल के अबैंडन एरिया को एक्सप्लोर किया था और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखें। और चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद ना करते हुए हमारे इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं किसी दूसरे अच्छे जगह पे। और यहाँ फिर पे एक और चीज है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो अभी आगे चल के देखना है। आगे देखिए, आगे बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस जगह को छोड़ के उससे थोड़े अच्छे जगह पे जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, स्टॉफ कैंटीन। तो ये थोड़ा सा रेलवे के लुक में शायद खाने पीने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आप बेसिकली तो स्टाफ के लिए है, लेकिन हम लोग भी इसमें जाके देखेंगे कि यहाँ पे क्या खाने को क्या पीने को मिलता है। और उस लोकेशन से काफ़ी अच्छा लोकेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिम भी है, बच्चों लोग खेलने कूदने भी आ सकते हैं, झूला भी झूल सकते हैं, मस्ती मजाक जो भी शाम में आए कर सकते हैं। तो हम लोग अभी आए हैं, अब इसके अंदर हम लोग चलेंगे कि इसके अंदर क्या खाने को क्या पीने को क्या है, इसके अंदर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर चलते हैं, हम इसको देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। ये जस्ट दानापुर खगौल स्टेशन के पीछे में पड़ता है। ये देखिए दानापुर, बहुत सॉलिड है भाई, लुक तो ज़बरदस्त है भाई। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। दानापुर स्टेशन जस्ट उस साइड में आप देख सकते हैं स्टेशन है, और हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। कोच कैफेटेरिया, हॉट मील्स अन्नपूर्णा, और वहाँ देखिए लैब का लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ट्रेन का पूरा फील आपको इसके अंदर मिलेगा, और बगल ही में ट्रेन का आवाज़ भी मिलेगा, बगल में ट्रेन का आवाज़ भी मिलेगा। तो मतलब पूरा फुल एकदम प्रिपरेशन करके दिया गया है। ये देखिए दानापुर, ये है दानापुर जंक्शन, ये खगौल स्टेशन है, वॉशिंग लाइन है। ये रोहित भाई, अजीज भाई और उधर अमन भाई। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। भाई मुझे थक गए, वो लोकेशन तो बेकार था एकदम, वहाँ दोबारा भूल के तो एकदम नहीं जाना है। चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। तो हम हैं कोच रेस्टोरेंट के अंदर, जो कि दानापुर खगौल स्टेशन के पास स्थित है। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि दानापुर कल कैसा था और आज का दानापुर का स्टेशन कैसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है उसके अंदर। और ये है टाइपिंग मशीन, और देख सकते हैं 1994 में निर्मित हुआ था इस कोच का, और यहाँ पर कैंटीन खुली थी। ये कैंटीन जो है स्पेशली यहाँ के जो स्टाफ मेंबर रहते हैं उनके लिए है, और साथ में आप भी यहाँ लोकल आदमी भी यहाँ आ सकते हैं। और बहुत जल्द इस कोच का जो, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये एसी नहीं है, नॉन एसी कोच है, और ये बहुत जल्द एसी कोच में तब्दील होने वाला है। और यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन से वजह से यहाँ पे अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको खाने के लिए नाश्ते मिठाई सब कुछ मिलेगा, और यहाँ पे बहुत जल्द, यहाँ पे बहुत जल्द आपको यहाँ भी आप बैठ के खा पी सकते हैं। ये लोकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बस कोरोना काल के वजह से ये रुका हुआ है यहाँ का। और जैसे ही यहाँ पे कोरोना काल ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे पूरा एरिया आपका बना दिया जाएगा, और ये बहुत जल्द एसी कोच में तब्दील होने वाला है। तो आप यहाँ अगर आते हैं तो यहाँ खाने पीने का मज़ा ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ का टेस्ट बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा टेस्ट था खाने पीने का, अच्छा सर्विस मिलता है खाने पीने के लिए, आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे बिलिंग होता है, भैया लोग बिलिंग करते हैं। अच्छा
चलिए तब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और ये है कोच एक्सप्रेस, कोच कैफेटेरिया दानापुर स्टेशन के पास। आप यहाँ आइए, मज़ा करिए, खाइए पीजिए और यहाँ के टेस्ट का लुत्फ उठाइए, और साथ में आपको ट्रेन का फीलिंग भी पूरा आएगा। तो हम लोग को बहुत मजा आया, कैसा लगा रोहित भैया बताइए? बहुत यार, बोलो ना क्या फीलिंग था यार। ओह माय गॉड, क्या टेस्ट था जी भाई यहाँ के खाने का? भाई बड़ी अच्छा, मजा आया ना लॉकडाउन के बाद? अच्छा था। चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो बिहारी बाबू चैनल के साथ बने रहें और ऐसे ही मजेदार ब्लॉग्स को देखते रहें। और दोस्तों हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और हमारे पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देखें। चलिए दोस्तों, चलिए एंजॉय करते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।